तो हमने चालू की थी फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की एक सीरीज़, जो हमने फर्स्ट पार्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें जो मैंने बताया था कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट एंड हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो चेक कर लो, उसके बाद इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स पेयर। तो फॉरेक्स पेयर इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेक्स पेयर एक्चुअली में क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, उसमें कैसे ट्रेडिंग की प्रोसेस होती है, मतलब क्या बाय करना होता है, क्या सेल करना होता है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो वॉच कर लो पार्ट 1, फिर ये पार्ट 2 वीडियो आप देखो। तो अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे कि फॉरेक्स पेयर क्या होते हैं। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मेरा वॉच लिस्ट है, ये आपको फर्स्ट दिख रहा होगा यूरो यूएसडी, यूआर यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, मतलब कि डॉलर एंड जापानीज येन। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा जीबीपी यूएसडी, उसके बाद आपको दिख रहा होगा एयूडी यूएसडी। तो इसे हम बोलते हैं फॉरेक्स पेयर, क्योंकि ये दो करेंसी है इसलिए हम इनको इन्हें बोलते हैं पेयर। जैसे कि आप ये देख सकते हो यूरो यूएसडी, या यूरो भी है एंड या यूएसडी भी है, इसलिए हम इसे पेयर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉरेक्स पेयर। तो आई होप आपको फॉरेक्स पेयर समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आपको फॉरेक्स पेयर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ एग्जांपल के लिए लेने वाला हूँ यूरो यूएसडी, जो कि आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आप यूरो यूएसडी देख सकते हो, एक फॉरेक्स पेयर है। तो यहाँ जो यूरो है ना, इसे हम बोलते हैं बेस करेंसी, एंड जो यूएसडी है जो सेकेंड में, इसलिए हम बोलते हैं इसे सेकेंडरी करेंसी। तो यूरो हो गया हमारी बेस करेंसी एंड यूएसडी हो गया हमारी सेकेंडरी करेंसी। ऐसे ही सेम यूएसडी जेपीवाई में, तो यूएसडी या बेस करेंसी, जेपीवाई सेकेंडरी करेंसी, ऐसे हम फॉरेक्स पेयर को रीड करते हैं, बेस करेंसी सेकेंडरी करेंसी। तो अब सपोज कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ यूरो यूएसडी में, यूरो यूएसडी के पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या करूँगा मैं कि यहाँ यूरो इम्पोर्टेंट है, तो मैं अगर अगर मैंने बाय किया, मतलब कि यहाँ मैं यूरो बाय कर रहा हूँ यूएसडी देखे, तो अगर यहाँ यूरो की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वहाँ मुझे प्रॉफिट होगा, एंड अगर यहाँ यूरो की प्राइस डाउन होती है तो मुझे लॉस होगा। अगर मैं यूरो को यहाँ सेल करता हूँ तो जब यूरो की प्राइस कम होगी तब मुझे प्रॉफिट होगा, एंड अगर यूरो की प्राइस बढ़ी तो मुझे लॉस होगा। तो आई होप अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप रिपीट करके चेक कर लो, आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या बोलना है। अगर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाय या अप डायरेक्शन की ट्रेड ओपन की, तो जब तक वो अप डायरेक्शन में जा रही है तो तब तक हमें प्रॉफिट होगा, एंड अगर हमने सेल या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ओपन की, तो जब तक वो डाउन डायरेक्शन में जाते रहेगा तब तक हमें प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरेक्स के मेजर पेयर क्या होते हैं एंड फॉरेक्स के माइनर पेयर क्या होते हैं। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड रहो चैनल पे।